कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किए थे ट्विंस गर्ल का। मुझे वो ऑर्डर आया था हाफ हाफ केजी का, तो अलग अलग दो केक मैंने बनाए थे, तो उनका अलग अलग करके मैंने दो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करे थे। तो आज मुझे ट्विंस बॉयज के केक का ऑर्डर आया है। 2 ईयर्स के जो है वो छोटे छोटे बॉयज हैं। तो लास्ट ईयर भी मुझे वो केक का ऑर्डर मिला था, तो उसमें मैंने रेनबो वाला केक बनाया था उनके लिए, टेडी बियर वाला केक बनाया था, मुझे याद है। तो आज भी मुझे फिर से उनके केक बर्थडे केक का ऑर्डर मुझे मिला है। तो उनको आज जो उनका थीम है केक का, पाव पेट्रोल थीम है, तो दो अलग अलग केक मुझे बनाने हैं। तो उसका मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के संग एक फुल वीडियो अपलोड किया जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ना प्रिंट्स निकाल करके वो रख लिए हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं अपने केक्स के प्रिंट वगैरह निकाल करके ना वो अपने केक्स में यूज करती हूँ। तो इस तरीके से ना आप मतलब कोई सा भी प्रॉप्स आपको मार्केट में ढूंढने की जरूरत नहीं है, या आपके पास कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर्स आ जाते हैं और आपके पास उस तरीके के प्रॉप्स नहीं होते, तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ जाता है या कस्टमर को समझाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर मतलब उनके समझ में नहीं आता है, उन लोगों को वैसा ही केक चाहिए रहता है। तो आप इस तरीके से मतलब प्रिंट निकाल करके कोई सा भी साइज अकॉर्डिंग निकाल करके आप वो लोग प्रिंट करा करके अपने केक्स में यूज कर सकते हैं। तो आज इसी से हम अपना केक डेकोरेट करेंगे पूरा। तो इस तरीके से मैं प्रिंट करवा लेती हूँ और उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके के प्रिंट अगर आप करवाने हैं ना, तो आप प्रॉपर एक ही जगह से आप करवाइए, ताकि उससे क्या होता है कि आपको भी थोड़ा सा समझने में, क्योंकि इसका साइज वगैरह आप लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि कभी आपने प्रिंट निकलवाया और केक के अकॉर्डिंग आपके प्रिंट का साइज जो है वो बड़ा हो गया, आपके प्रॉप्स जो है टॉपर्स जो है उनका साइज जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ऑड है आपके केक में। तो एक दो बार अगर आप प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से इनको प्रिंट करवाना है, किस तरीके से साइज आपको चाहिए, तो आप उसी साइज का आप निकलवाए उसके मतलब अपने सामने वो प्रिंट्स आप निकलवाए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और उन्होंने प्रिंट निकाल करके दे दिया। साइज आप अपने अकॉर्डिंग या साइज एक सेट कर लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये प्रिंट निकालिए। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर मुझे ये फुटप्रिंट्स के जो टॉपर्स थे वो मुझे छोटे चाहिए थे, और जो ये वाले टॉपर्स थे वो मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, ये थोड़ा सा उससे छोटा चाहिए था। तो इस तरीके से मैंने ये अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझे चाहिए तो उसी के हिसाब से मैंने ये प्रिंट निकलवाए। तो आप भी इस तरीके से और एक ही जगह से प्रिंट ये निकलवाए, ताकि आपको भी समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए, और जहां से आप निकलवाए उनको भी मतलब समझ आ जाए कि आप किस तरीके से आपको चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उनका साइज चाह रहे हैं, तो उस तरीके से उनको भी थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। तो एक ही दुकान से आप सेट करके रखेंगे तो वो प्राइस भी थोड़ा सा आपको कम मतलब करके देंगे और जगह से। तो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग स्पॉन्ज ये बेक करके रख लिए हैं हाफ हाफ केजी के, तो इन्हीं से ही हम अपना केक बना करके रेडी करेंगे। तो चलिए फटाफट से केक बना करके रेडी कर लेते हैं। व्हिप क्रीम भी मैंने व्हिप करके रख लिए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक जरूर करिए, और चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने दो हाफ हाफ केजी के स्पॉन्ज बेक करके रख लिए थे और उन्हीं से मुझे एक केक बनाना था। तो ये जो दोनों केक थे ना वो पाइनएप्पल फ्लेवर के थे, तो उसके लिए मैंने व्हिप क्रीम में पाइनएप्पल क्रश को अच्छे से मिक्स करके उसी से अपने केक की फिलिंग करी थी। तो ये जो स्पॉन्ज था ना वो मैंने प्रेमिक्स से ही बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर जो होम बेकर्स होते हैं ना वो प्रेमिक्स का ही यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास एकदम से ही ऑर्डर्स आते हैं कन्फर्म, मतलब ऐसा नहीं रहता है कि आज ऑर्डर आएगा ही आएगा, उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहता है। तो इसके लिए मिक्स का जो बैटर होता है ना वो जल्दी बन जाता है, उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट आपको नहीं डालने होते। स्क्रैच से जब आप स्पॉन्ज बनाते हैं ना उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट आपको चाहिए रहते हैं, उससे काफ़ी टाइम आपका चले जाता है, और कभी कभी ऐसे कस्टमर आते हैं कि 2-3 घंटे में उनको केक चाहिए रहता है, फिर आप स्क्रैच से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम चले जाएगा, तो उतने में कस्टमर कैंसिल भी कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर भी कैंसिल कर देते हैं। तो इसके लिए स्क्रैच से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम का थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लग जाता है। जो बड़ी बड़ी बेकरियाँ होती है ना उसमें ज़्यादातर स्क्रैच से ही वो लोग स्पॉन्ज बनाते हैं, और उसमें कम प्राइस में भी लोएस्ट प्राइस में भी वो स्पॉन्ज बन जाता है। और उन बेकरियों में ना ज़्यादातर जो एगलेस केक होते हैं वो प्रीमिक्स से ही वो लोग बनाते हैं। अगर आप होम बेकर्स का काम करना चाहते हैं ना तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कन्फेक्शनरी की शॉप्स आपके घर से दूर है तो वहाँ पर से उनसे आप कांटेक्ट करके प्रीमिक्स ले करके अपना होम बेकर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी ना ये 4 लेयर्स में अपने स्पॉन्ज को कट कर लिया था और उसकी फिलिंग मैंने कर ली थी। जितना ज़्यादा आप लेयरिंग अपने केक में कट करेंगे ना तो उतना ज़्यादा सॉफ्ट आपके केक में होगा। ऐसा नहीं है कि 4 लेयर्स करने से
से आपकी केक में ज़्यादा क्रीम लगेगी। आप कम थोड़ा सा क्रीम लगाइए क्योंकि स्पॉन्ज आपका थोड़ा सा पतला हो जाता है कटिंग करने से, फोर लेयर्स कट करने से, तो इसके लिए आप क्रीम भी थोड़ा थोड़ा कम लगाए तो उतना ही क्रीम आपके केक में लगेगा। और स्पॉन्ज जो है ना फोर लेयर्स में कट करेंगे तो आपका केक काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, काफ़ी अच्छा बनेगा, और हर लेयर्स में मतलब क्रीम का और स्पॉन्ज का अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बैलेंस वो केक रहता है आपका। ये केक स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 180 ग्राम प्रीमिक्स का यहाँ पर यूज़ करा था। मैं हाफ़ के जी प्रीमिक्स का ही हाफ़ के जी केक बनाने के लिए 180 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ करती हूँ। अगर आपको 1 के जी का केक बनाना है तो आप उसका डबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें 30 या 40 ग्राम्स कम करके भी आप प्रीमिक्स कम करके ना वो केक आप वो बना सकते हैं, तो वेट आपका बिल्कुल भी कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि कई बार जो नए होम बेकर्स होते हैं ना वो केक तो बना देते हैं, बट जैसे 1 के जी का केक उनको बनाना है तो 200 ग्राम या 100 ग्राम्स उनका केक ज़्यादा निकल जाता है। क्रीम कितना बीट करना है उनको समझ में नहीं आता कि कितना 1 के जी के लिए कितना क्रीम लगेगा, हाफ़ के जी कितना क्रीम लगेगा। तो आप कभी जब ऐसा प्रॉब्लम्स होती है ना तो हाफ़ के जी का जो स्पॉन्ज आपका आपने बेक किया है उसका आप वेट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग क्रीम का भी वेट करके आप उतना ही क्रीम आप व्हिप कीजिए और उतना ही क्रीम आप अपने केक्स में लगाइए, तो उससे बिल्कुल आपका केक का वेट जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। तो कभी भी आपका वेट ओवर वेट नहीं होगा केक का, ज़्यादा वेट आपका केक का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो टॉपर्स मैंने पेंट कराए थे उनको मैंने कटिंग कर लिए थे, जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है आपको किस तरीके से आपको ये प्रिंट करवाने हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग आप इन केक्स टॉपर्स को आप प्रिंट करवाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप बड़े टॉपर्स मतलब बड़ी साइज़ के टॉपर्स प्रिंट करवाएंगे तो वो थोड़ा सा ओवर साइज़ लगते हैं केक्स में। देखें मैंने बिल्कुल एक्यूरेट जिस हिसाब से मुझे साइज़ चाहिए थे ना उसी हिसाब से मैंने इनको प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पर मैंने अपने केक की कटिंग फिलिंग करके आइसिंग मैंने अपने केक्स की कर ली थी। कस्टमर ने केक का जो कलर था ना वो अलग अलग रखने के लिए बोला था, दोनों केक्स में अलग अलग उनको कलर चाहिए था, तो इसके लिए मैंने एक केक में लाइट येलो कलर रखा था और दूसरे केक में लाइट ब्लू कलर का मैंने उसको आइसिंग करी थी, और जो टॉपर्स थे ना वो केक के ऊपर मैंने लगा दिए थे। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपर्स है बिल्कुल साइज एक्यूरेट जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही मैंने इनको प्रिंट करवाया है, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, बिल्कुल एक दो बार आप प्रिंट करवाएंगे ना इनको तो आपका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने साइज़ के और कौन से साइज़ के आपको ये टॉपर्स चाहिए। तो इस तरीके से ये टॉपर्स आप प्रिंट करा करके अपने केक्स को डेकोरेट कर सकते हैं। साइज़ अगर छोटा बड़ा होगा ना उससे केक जो है ना थोड़ा सा ऑड लगता है, अगर मैं आगे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दी तो वो थोड़ा सा ऑड लग जाता, तो इसके लिए मैंने उनको छोटा रखा है, जो ऊपर लगाने थे वो थोड़े से बड़े रखे। तो इस तरीके से मैंने पूरा केक कम्प्लीट कर लिया था, साइड में मैंने इस तरीके से बॉर्डर दे दिया था और ऊपर मैंने ग्रास लगा दी, वो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो ऊपर से मैंने ग्रास वगैरह लगा के इस केक को पूरा कम्प्लीट कर दिया था। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केक का डिज़ाइन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।